उज्जैन शहर में लगातार हो रही चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस वालों को चुनौती देते हुए थाने के बाहर खड़ी बाइक ही चोरी कर ले जा रहे हैं। बीते एक महीने में चोरों ने करीब 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। उज्जैन में आजकल चोर रात्रि गश्त कर रहे हैं और पुलिस थाने में सो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जीवाजीगंज थाने के बाहर से आया वीडियो बता रहा है। थाने के बाहर खड़ी एक बाइक को चुराने के लिए एक अन्य बाइक सवार 3 लोग आते हैं। थाने की दीवार के पास खड़ी स्प्लेंडर बाइक को बड़ी आसानी से बिना किसी डर के ताला तोड़कर मात्र 1 मिनट 20 सेकंड में बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस को चुनौती देने के लिए की गई वारदात में 3 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। जीवाजीगंज थाने के बाहर चोरों ने सबसे पहले नामदार पूरा गली नंबर 5 में रहने वाले सुनील पिता हरिओम की बाइक थाने के सामने से चुराई थी और फिर नामदारपुरा के ही रवि सोलंकी की 1.5 महीने पुरानी गाड़ी को थाने के पास गली में से चोरी कर लिया था। रवि ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही उसने यह बाइक खरीदी थी। वाहन चोरी की घटना में एक बाइक पर 3 बदमाश जीवाजीगंज थाने की दीवार के पास खड़ी बाइक को चुराने के लिए कुछ देर रुकते हैं। इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें ना देखता है ना रोकने की कोशिश करता है। वीडियो अल सुबह 4 बजे का है जिसमें 3 चोर गाड़ी उड़ा ले गए हैं और एक गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की वजह से वही छोड़ गए हैं।